असाइनमेंट एट पॉइंट थ्री फोर्टी ग्राम स्ट्रिंग टू मीटर इन लेंथ वाइब्रेट्स इन थ्री लूप द टेंशन इन द स्ट्रिंग टू सेवेंटी न्यूटन वट इज़ द वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ये देख लें ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये दो साइडों पर क्लैम्प्ड है इसका जो मास है स्ट्रिंग का वो है फोर्टी ग्राम्स और जो इसकी लेंथ है वो है टू मीटर्स ये टेंशन है इन द स्ट्रिंग टू सेवेंटी न्यूटन और वेवलेंथ हमने हमें मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी तो इसको पिक्चर को साइड पे कर लेते हैं पहले गिवन नोट कर लेते हैं मास ऑफ द स्ट्रिंग कैपिटल एम से मैं लिख रहा हूँ फोर्टी ग्राम और अगर इसको के में करेंगे तो डिवाइडेड बाई थाउजेंड था। कर लेंगे पॉइंट ज़ीरो फोर के हो जाएगा लेंथ हमें ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है टू मीटर्स नंबर ऑफ लूप्स एन इज़ इक्वल टू थ्री टेंशन टी टू सेवेंटी न्यूटन वेवलेंथ मालूम करनी है हमने और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और चूंकि थ्री लूप्स बन रहे हैं इसलिए हमें पता है कि थर्ड हार्मोनिक है इसलिए साथ में छोटा छोटा लेमडा भी मैंने लिख दिया लेमडा के साथ मैंने थ्री और एफ़ के साथ भी थ्री लिख दिया लेकिन नॉर्मली जब मैं पढ़ूंगा तो मैं लेमडा ही बोला करूँगा थ्री बोलना मुझे मज़ा नहीं आता पसंद नहीं है और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में लेंथ मालूम हो तो लमडा निकाल सकते हैं और लमडा मालूम हो तो लेंथ निकाल सकते हैं और ये रिलेशन आपको रट्टा लगे हुए होने चाहिए बट लेट्स सी इट लेंथ हमने देखनी है तो ये देखें आप पूरी एक वेव अंदर मूव कर रही है इस पूरी लेंथ के बीच में और इसका कितना हिस्सा जो है एक वेव लेंथ बनता है लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमने मैयर करनी है इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ तो यह देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव लेंथ है या एक लेमडा जिसको कह सकते हैं तो लेमडा प्लस और कितना हिस्सा है यहाँ से आगे अगर देखें पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लेमडा है तो नोड टू नोड कितना होगा लेमडा बाई टू या हाफ लेमडा तो ये वाला हिस्सा हाफ लेमडा होगा यानी लेमडा प्लस लेमडा बाई टू ये इसकी टोटल लेंथ बनती है तो इसको कर लेते हैं थ्री बाई टू लेमडा या थ्री लेमडा बाई टू भी लिख सकते हैं इससे हम लोगों ने अगर लेमडा निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा टू एल बाई थ्री या टू बाई थ्री एल भी लिख सकते हैं इसको अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है टू डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री थ्री मीटर यानी कि ये जो वेव की एक लेंथ है लेमडा ये यहाँ से यहाँ तक ये है वन पॉइंट थ्री थ्री मीटर और देखने में नज़र आ रहा है कि हमारा आंसर ठीक भी होगा क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है टू मीटर तो ये वन पॉइंट थ्री थ्री, थ्री नजर आ रही है नेक्स्ट हमने जाना है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी होती है वी डिवाइडेड बाय लेमडा अब वी का क्या फार्मूला है ये मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड में सिखाया था वालास्टी इन स्ट्रिंग का फार्मूला होता है अंडर द रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्ट्रिंग अभी हमारा यही वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि हमें लेंथ भी गिवन है और मास भी गिवन है बाज़ात लेंथ और मास इस तरह नहीं गिवन होते आपको मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ आएगा मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है आपने छोटा स्मॉल एम यूज़ करना है और फिर इस मास पर यूनिट लेंथ अगर लेंथ को मास के नीचे ले जाएंगे तो ये ये कंडीशन हो जाएगी स्मॉल एम और ये हमारा फिर फार्मूला यूज़ होगा इस वक्त चूंकि हमें लेंथ और मास लैदा लदा गिवन है तो हमारा ये फार्मूला लगेगा वी इज इक्वल टू अंडर द रूट टी इंटू एल ओवर एम तो वी पहले ये कर लेते हैं अंडर द रूट टी इन टू एल ओर एम वैल्यूज डालते हैं टी की वैल्यू टू सेवेंटी एल की टू एम की पॉइंट जीरो फोर इज इक्वल टू इन तीनों को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अंडर द रूट इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से वन सिक्सटीन पॉइंट वन एट मीटर्स था पर सेकेंड तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट वन नाइन मीटर पर सेकेंड कर दिया इस वैल्यूज़ को अंदर डालते हैं वी के अंदर वन सिक्सटीन पॉइंट वन नाइन डिवाइडेड बाई लैम्डा की वन पॉइंट थ्री थ्री सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो 87.3 सेवन पॉइंट वैल्यू आ गई और ये दोनों हमें रिक्वायर्ड छी क्वेश्चन के अंदर तो हमारे आंसर बुक के साथ मैच भी कर रहे हैं